أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين सूरत का नाम सूरतुल सूरतुल्बारा है मदनी सूरतों के साथ ताल्लुक़ हैं सूरत मजामीन के एतबार से चार हिस्सों पर मुश्तमल हैं पहला हिस्सा आयात नंबर छियानवे तक और फिर पहले हिस्से के अंदर तीन अबवाब हैं पहला बाब आयात नंबर एक से लेकर आयात नंबर बीस तक इन अल्लाह अलाकुल्लिश कदीर यहाँ तक इस बाब के अंदर दूसरी आयात में कुरान करीम के तीन सिफात नंबर एक अल्किताब नंबर दो लारई बफ़ी नंबर तीन हदलमत फिर उसके बाद मलूम आलिम के पाँच सिफात पहली सिफत अद्दीन नबिल नबील दूसरी सिफत बुकीमून और तीसरी सिफत ومما رزقناهم ينفقون چوتھی صفت والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك اور پانچویں وبالاخره هم يوقنون یہ پانچ صفات منعوم عليهم أبو اولئك على هدى من ربهم یہ حکم دنیا ہے کن منعوم عليهم کے व उलाकमफलिह यहक्म उखरवी हैं तो गोया के इन पाँच आयतों में मनिम के पाँच सिफ़ात और एक हुक्म दुनिया और एक हुक्म उखरवी फिर उसके बाद दो आयतें जो हैं इनदीन कबरुसवाम आंदर तहम अम तुमदिर ख़तमल्ला कुलूब हिम वाला समिम वाला अब स्वरिम आयशा व वलुम अजहाबाज इन दो आयतों में मकजूब नालिम के तीन सिफ़ात और एक हुक्म दुनिया और एक हुक्म आखिरत. अब सिफात कौन कौन से इदीना क़रु नंबर एक कफ़रु दूसरी सिफत सवादर तहम अमल तुम जरह और तीसरी सिफत लाय मनून ये तीसरी सिफत हुक्म दुनिया क्या है मौजूबन आलिम के लिए ख़ाल कुलूब इिमाला समा अब स्वारिशाव ये हुक्म दुनिया है जो फहम के इसबाब हैं ना उनको अल्लाह ने बंद कर दिए फहम के जो इसबाब हैं अल्लाह है ने उसको क्या कर दिया बंद कर दिया हुक्म आख़िरत क्या है वह अज़ाबन आज ये हुक्म आख़िरत है अब व से लेकर माकान महतदीन तक वमिनन्ना से लेकर वमाकान महतदीन तक आयत नंबर सोलह अब इन आयतों में जवालीन का बयान हो। इसका बयान जवालीन का तकरीबन तेरह नाकारा सिफात जवालीन के बयान होंगे तेरह नाकारा सिफात और इसी तरह कुछ हुकुम दुनिया के कुछ आख़िरत के वो जिक्र होंगे जब इससे फारग हो जाए मतल कम सली लजिस्तन आर फिर दो मिसालें कितनी मिसालें दो, दो मिसालें पहली मिसाल मसलुम कम सली लज कादारा फ़लम अवल जहाबाल बिनूरिम फ़ीजुलुमा बसर सनम बुकमन फ़हमला सही है न जी एक मिसाल तो ये होगी दूसरी मिसाल आओ कस मिन समय फ़ी ही ता बर्क यूना स्वाब्या आदान सवा के मौत वल्लाहु तुम बिल काफी या काफ़ार शवफी व इदा अजलमा अब स्वरिम इन कदरों दूसरी मिसाल अब पहली मिसाल जो है वो मौजूब नाल के लिए किसके लिए मसल कम साल लजिस्त कदा नारा ये मिसाल किसके लिए मकजूब नाल आओ कसवा ये बि मना समाए फ़ी ूम ये मिसाल जवालीन के लिए ये मिसाल किसके लिए जवालीन जौली। जौली। के लिए और फिर याद रखें जवालीन से मुनाफिक भी मुराद हैं और मुनाफिक फिर दो किस्म के हैं एक मुनाफिक अतकदी हैं और एक मुनाफे का आमली है मुनाफे के एतकदी वह हैं कि जो फ़कत ज़बान से पढ़ते हैं ला अला लेकिन दिल के अंदर काली बला और मुनाफ़े के आमली वो हैं कि जो दिल से भी तस्दीक करने वाले हैं जबान से भी इकरार करने वाले हैं लेकिन बाज़ अमाल ऐसे हैं कि जैसे मुनाफे तो फिर ये दूसरी मिसाल दो शिकों पर तब्दील होगी पहले शिक जो हैं वो मुनाफे के एतिदी के लिए आओ औवई बि मिनत समी मातु वरा दूँ जालू ना असवा ब्याफ़ी आदान ही मिन सवा के हजरल मौत वाहुम ही तुम बिल काफिरीन मुनाफे के एतिकादी अब मुनाफे के आमली के या का तो दुल्बर गबा

एक हुक्म दुनिया का और एक हुम आखिरत का फिर दो आयतों में तीन नाकारा सिफात मकजूब नाल के एक हुक्म दुनिया और एक हुक्म आखिरत और फिर वमिनना से वमाकान महत्दी सोलह तक इसमें जालीन का बयान तकरीबन तेरह सिफात और इसी तरह कुछ हुक्म दुनिया के कुछ आखिरत के फिर उसके बाद दो मिसालें एक मिसाल मकजूब आलिम के लिए यानी उसके वजाहत के लिए और दूसरी मिसाल जवालिम के लिए सही है ना जी ये खुलासा है अब जरा आयात की तरफ देखें अलिफलामीम कुरानी क़रीम में बाज उलमाए कराम फरमाते हैं दो किस्म के हरूफ हैं जो दो किस्म के कहते हैं तो वह फिर दूसरी किस्म को यानी तकसीम कर लेते हैं कि दूसरी किस्म पर दो किस्म पर तो बात वही तीन पे आ जाती है तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए कहूंगा कि तीन किस्म के हरूफ हैं नंबर नंबर दो मुतशाबात और नंबर तीन हरूफी मुहकमात उन हरूफों को कहा जाता है जिनका माना भी मालूम हो और मुराद भी मालूम हो मालूम वल मुराद। इसे क्या कहते हैं हुरूफी मुहकमात। दूसरे किस्म के हरूफ वो हैं जिसे मुतशाबिहात कहा जाता है जैसे मिसाल के तौर पर यदुल्लाह वजहुल्लाह अब हुरूफी मुतशाबिहात का माना तो मालूम है मालूम माना लेकिन मुराद मालूम नहीं यदुल्ला अल्लाह का हाथ अब कैसा हाथ हमें मालूम नहीं कमाई अली को भी है वजहुल्ला अल्लाह का चेहरा अब कैसा चेहरा मेरे और आपके चेहरे की तरह ना इस तरह चेहरा भी साबित नहीं करते और ना नफी करते हैं कमाई अली कुी इसे कहते हैं मुतशाबिहात और तीसरी किस्म हरूफ वो है जिसे हरूफी मुकत्यात कहा जाता है जैसे अलिफ अलिफलाम मी अलिफ लाम रॉ यासीन सौत नून कौफ इन हरूफों को हरूफी मुकत्यात कहा जाता है और का ना माना मालूम होता है और ना मुराद ना माना मालूम ना मुराद मालूम और यह भी याद रखें कि ये हरूफी कुरान करीम के सूरतों के इब्तिदा में आ चुके हैं सूरतों के इब्तिदा में हरूफ मुकत्तियात मौजूद हैं अब अगर आप पर कोई एतराज करे कि जी आपका तो दावा है कि कुरान रहनुमाई के लिए अल्लाह ने भेजा आपका दावा है कि कुरान को अल्लाह ने हिदायत के लिए भेजा अब जब कुरान को अल्लाह ने रहनुमाई के लिए हिदायत के लिए नाजिल फरमाया तो फिर कुरानी करीम के अंदर ऐसे हरूफ क्यों नाजिल किए जिसका माना भी मालूम नहीं और मुराद भी मालूम नहीं एतराज़ करने वाले तो ऐतराज करते रहते हैं तो जवाब याद रखें कि अल्लाह ने इन हरूफों को जो नाजिल फरमाया फरमायान अल्लाह मख़लूक पे जाहिर करना चाहता है कि देखे जी बगैर माना मालूम किए हुए बगैर मुराद मालूम किए हुए कौन मानता है कौन नहीं मानता एक इशारा तो ये है दूसरा इशारा इसके अंदर ये है कि मखलूक में से चाहे जिस कदर भी बड़ा आलम क्यों ना हो लेकिन अल्लाह के इलम के मुकाबले में उसके इलम की कोई हैसियत नहीं कोई हैसियत नहीं तो इसलिए कराम जब माना करते हैं अलिफल अल्लाह आलमरादी अल्लाह बेहतर जानता है इन इनफों के माने और मुराद को जो भी माना अल्लाह के हाँ मुराद जो भी मुराद अल्लाह के हाँ मौजूद उसी माने और मुराद पर हमारा यकीन और हम तस्दीक करते हैं हम तस्दीक करते हैं फिर बाजमाय कराम फरमाते हैं क्या से अल्लाह अल्लाम से जबरील मीम से मोहम्मद अल्लाह ने नाजिल किया कुरान को जबरील के वास्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये ताबीर हैं आखिर में सब एक ही लफ्ज पर मुतफिक हो जाते हैं कि अल्लाम अल्लाह आलम पर मुतफिक हो जाते हैं आगे ज़ालिकल कल किताबों लार बफी ये ज़ालिका जो है ना इसमें इशारा है और इससे इशारा किया जाता है दूर के चीज़ों जैसे कि के, के राम फरमाते ना कि जाले का ये बौद्ध के लिए आता है दूरी के लिए और यहां पर तो किताब हमारे और आपके सामने तो याद रखें ये बौद्ध जो है ना दाल बौद्ध ये दो किस्म पर है एक बौद्ध मकानी है एक बौद्ध रुतबी है एक बौद्ध मकानी और दूसरा बौद्ध रुतबी यहां पर बौद्ध मकानी मुराद नहीं बल्कि बोध ही रुतबी मुराद हैं तो माना क्या करेंगे ज़ालिकल किताबों ये वो बुलंद मरतबा किताब हैं ये वो बुलंद मरतबा किताब हैं सही है ना जी ला रही बफी नहीं कोई शक फी ही इसके अंदर हाँ इसके अंदर यानी इसके नाजिल होने में अल्लाह की तरफ से शक किताब होने में नहीं शक तो नाजिल होने में था मनातिका का उसूल है ना वो आपके सामने तो नहीं बयान कर सकता कि शक तो निस्बत में किताब में तो शक नहीं तो यहां पर हम माना करेंगे जालिकल किताबों ये वो बुलंद मरतबा किताब है लारई बफी ही नहीं कोई शक इसके अंदर यानी इसके नाजिल होने में अल्लाह की तरफ से Allah की तरफ से अब जालिका उस तरफ नहीं जा रहा क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कह दिया ये भी काफी है बाज़ जालिका से एक अजीब सा इस्तलाल करते हैं आप वसल्लम के हाजिर होने और हाजिर नाजिर होने के सिलसिले में हदीस में भी आता है ना कि जब मुर्दे को कबर में रख दिया जाता है तो फरिश्ते आते हैं मुर्दे से पूछते हैं माता को लूफी हक हादर रोजुल हादर रज़ुल तो वहां पर भी हाद आया जी हादा से इशारा उन चीजों की तरफ होता है जो आपके सामने हो नजर आने वाली हो तो मालूम यह हुआ कि हादा के जरिए इशारा हो रहा है तो आप कबर में मौजूद होते हैं हम कहते हैं आपको किसने कहा यह कभी कभार जालिका से इशारा किया जाता है लेकिन ऐसा इशारा जो मालूम होता है मुतकल्लिम और मुखातब के दरमियान इशारा भी हो अब जो इशारा करने वाला है ना मुतकल्लिम उसको भी पता है कि किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूं जो सुनने वाला है उसको भी पता है कि किस चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है जैसे कुरानी करीम के अंदर बेशुमार आते हैं झालकमल्ला अब अल्लाह को तो किसी ने नहीं देखा आ, इसी तरह सूरत काफ के अंदर आता है जा लेका ये वो मौत है जिससे तू बागा करता था अब मौत को तो किसी ने देखा तो नहीं है लेकिन मालूम वल मुखातब मुतकलम कहने वाला उसको मालूम है कि किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं मुखातब सुनने वाला उसको मालूम है कि किसकी तरफ इशारा हो रहा है तो इसलिए इस बात को मैंने छोड़ दिया आगे चला गया सही है ना जी इसलिए फरमा रहे किताबों ये वो बुलंद मरतबा किताब है ला रई बफी नहीं कोई शक इसके अंदर यानी इसके नाजिल होने में अल्लाह की तरफ से हदलमत लफ्जी माना कर रहा हूँ हूं हदलमत हिदायत देने वाली है मुतकीो को यही माना है ना सूरत यही सूरत एक सौ पिचासी देखे जरा आयत नंबर एक सौ पिचासी एक सौ पिचासी देखे शाहरुमदानदीन दूसरा पारा एक सौ पिचासी मालूम कर लिए अब देखिए जरा हुदल ना हाँ यहां पे क्या फरमाया हुदल ना हिदायत है लोगों के लिए वहां पर क्या हुत अब बाजाहिर दोनों आयतों में रहा है टकराव आ रहा है, आ रहा है। के कई जवाब हाँ कई जवाब लेकिन याद रखें यह हिदायत मुख्तलिफ मानों के लिए आता है यहां पर ऐसा माना करें कि कीलो काली ना हो और बेहतरीन माना यह है हुलमतना मुत्तकीन, मुत्तकीन पक्का रखने वाली हैं मुत्तकियों को मजबूत रखने वाली है मुत्तकियों को सही है ना जी पक्का रखने वाली है मुत्तकियों को और यकीनन जब तक इंसान के पास ये किताब ना हो ना उसके अंदर पुख्तगी नहीं होती आप देखें आप शहर कराची में जब माए रबीउल अव्वल आता है तो घरों तो पर कौन से झंडे होते हैं जब माए मुहर्रम आता है तो घरों पर कौन से झंडे होते हैं क्योंकि किताब नहीं है हदलमत्तकीन पक्का रखने वाली है मुत्ियों को मजबूत रखने वाली है मुत्ियों को सही है ना जी अब आगे का बयान आ रहा है वो जो युक्म ईमान रखते हैं बिल गईब बिन दे क्या माना किया बिन देख अल्लदीना वो जो युक्मूना बिल गईब जो ईमान रखते हैं बिन दे अल्लाह को देखा नहीं पर अल्लाह पर ईमान जन्नत को देखा नहीं जन्नत पर ईमान दोजख़ को देखा नहीं पर दोजख पर ईमान अदाबी क़बर देखा नहीं पर उस पर ईमान मलाइब को देखा नहीं पर उस पर ईमान इसलिए फरमाते हैं अल्लादीन मिनूना वो जो ईमान रखते हैं बिल ग़ैब बिन देखें बिल ग़ैब बिन देखें हाँ बिल ग़ैब बिन देखें एक माना तो ये होगा दूसरा माना उल्मा कराम करते हैं अल्लादीन वो जो ईमान रखते हैं बिल गई बेहबूब में एक होता है खलवत एक होता है जलवत खलवत और जलवत जानते हो ना खलवत तन्हाई जलवत बिल्कुल सामने है ना अब बाज ऐसे हैं जो खलवत में टाप किस्म के हरामी और जब जलवत में आ जाए तो सरहिल तो याद रखें ये नहीं होता जैसे कि मुनाफिकीन का काम होता है जरा आगे जाए वकुल्लीन आमनु कालू आमन्ना मोमिनों के सामने आमन्ना जब मोमिनों से हट गए जुदा हो गए अपने सरदारों की तरफ आ गए तो कालू इन्ना मा इन्ना माँ नु खलवत और जलवत तो इसलिए फरमाया याद रखें अल्लादीना मिनना वो जो ईमान रखते हैं बिल गई भी गैबूब में खलवत में भी ईमान जलवत में भी ईमान ये ना खलवत में हो और जलवत में अल्लाह रहम थम फरमाएकीम न वयुकी नसवला अब आसान माना तो यही है वयुकी मूनला और कायम रखते हैं नमाजों को सही है ना जी अब दूसरा माना भी वयुकी मूनला और कायम है। रखते हैं नमाजों को पूरे हुकूक के साथ जो नमाज के हुकूक वगैरह उनके साथ या तीसरा माना कर लो वयुकी मू न जो वयुकी वकीम ऊन और पाबंदी करते रहते हैं नमाजों की सही है ना जी अब व्यूकीम नस वाला याद रखें मुतालिक के बदलने से हुक्म बदल जाता है यहां पर का व्यूकीम नसवाला कायम रखते हैं नमाज को क्या मकसद यानी रिवाज देते हैं नमाज को तशहर करते हैं नमाज की ये ना कि खुद पढ़ लिया बस नाना ना, खुद भी पढ़ते हैं औरों को भी दावत और उनको भी पाबंद बनाते हैं खुद भी पाबंद औलाद भी पाबंद खुद भी पाबंद अंडर बेगम भी पाबंद अंडर बेगम जानते हो ना अंडर बेगम भी पाबंद तो व्यूकीम ऊन वाला क्या मकसद व युकीम ऊन रिवाज देते हैं नमाजों का हाँ या व्यूकीम ऊं नला तशहर करते हैं नमाजों हा? नमाजों की लब्ज़ी माना तो मैंने कर दिया आपके सामने वह यकीम ऊना सला और कायम रखते हैं नमाजों को तीसरी सिफत क्या है वह मिम्मा रजक ना हम यून फिकुना व मिम्मा रजक ना हम और उन चीजों में से रजक ना जो दी हमने उनको यूनफिकून ये माना नहीं करे खर्च करते हैं ये तो एक मरतब हुआ नहीं, नहीं नहीं उनकी आदत है आदत है अब आदत है तो ऐसा माना करें कि उनकी आदत शामिल हो जाए व मिम्मा और उन चीजों में से विम्मा और उस माल में से रजकना एक मरतबा दे दिए छुट्टी हो गई ना ना उनकी आदत है मिजाज बन चुका है जब तक अल्लाह के रास्ते में ना दे उनको चैन नहीं आता सुकून नहीं आता इसलिए फरमाया वि रजक नाउम और उन चीजों में से रजक ना जो दी हम जो दिया हमने उनको या वमिमा और दौलत में से रजक नाउम जो दिया हमने उनको यून फिकून खर्च भी करते रहते हैं अब यहां पर देखे जी रजक ना क्यों इसलिए इशारा है बावजूद इसके कि खुद भी जरूरतमंद होते हैं खुद भी मुख्ताज होते हैं लेकिन अपनी मुख्ताजी को पीछे कर लेते हैं दूसरे की मुख्ताजी को आगे रख लेते हैं अपनी जरूरत को दबा लेते हैं दूसरे की जरूरत को पूरा कर लेते हैं यह मनोमनाल हमारी तरह नहीं कि पत्थर और लकड़ सब हजम हा? तो इसलिए फरमाया वमिमा मिम्मा रदक नाम फिकू और उन व और उस माल में से वामा और उन चीज़ों में से रदक ना हम दी हमने उनको यून फिकून ख़र्च भी करते रहते हैं बस ये आगे जाऊँ <गणागाँ> अल्लाह इज़्ज़त हमारे दर्श को अपने दरबार में कबूल व मंजूर फ़रमाएँ बिलखसूस हमारे वालदेन के लिए हमारे तमाम उस किराम व शुरू के लिए तमाम एल हक़ ओलमा तोल के लिए आप लिए आपके वालदेन के लिए हमारे लिए हमारे अहलोयाल और बच्चों के लिए अल्लाह इज़्ज़त ज़रिए निजात और ज़रिए बख्शिश बना दें जिस कदर मुसलमान दुनिया से रुख़त हो चुके हैं अल्लाह सब की माफ़रत फरमा दें और जो बीमार हैं अल्लाह सब को शिफिफा सेहत कामिला नसीब फ़रमा दें जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा दें जो बेलाद हैं अल्लाह उनकी जोलियों को औलाद के नेमत से भर दें जिनके यहाँ औलाद ही अल्लाह जिनके यहाँ नारीना औलाद नहीं अल्लाह उनके जोलियों को नारीना औलाद के नमत से भर दें जो साहिब औलाद हैं अल्लाह उनकी औलाद को हमारी औलाद समेत अपने दीन में कबूल व मंजूर फ़रमाएँ अल्लाह हम सब को अपने दीन में कबूल व मंजूर फ़रमाएँ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाएँ अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर नसीब फ़रमाएं बिलखसूस मरते वक़्त ये खूबसूरत कलमा ला अल्लाह मोहम्मद अल्लाह हमारी ज़बानों पर जारी और सारी फरमाए व आखिर है